नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं एक स्टॉक लेके आता हूं जिसके एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, येस बैंक की जैसे कि मैंने पहले एक रिजल्ट पे वीडियो बनाई थी कि मैंने बोला था वो ऑलरेडी कम से कम आपको 200 से 210 के बीच में ओपन होगा और देखिए ओपनिंग के बाद में स्टॉक्स कंटिन्यू नीचे की तरफ ही यहाँ पे गया। तो अब येस बैंक पे अब हमें क्या करना है उसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि येस बैंक पे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ कि येस बैंक जो स्प्लिट हुआ था उसको स्प्लिट करके एक बार आपको फिर से कर दूं कि जिससे हमें प्राइस जो है वो कंटिन्यू प्राइस हमें मालूम चल जाए। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक को हमने यहाँ पे कर दिया है स्प्लिट और सारी चीज़ें हमें ये यस बैंक स्प्लिट हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए यस बैंक पे जो लास्ट रिजल्ट अगर वीकली चार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, तो पहले मैं इसको डेली चार्ट कर दूँ जिससे आपको। अब देखिए यस बैंक जो हमने लास्ट यस बैंक आप लोग को रिकमेंड किया था वो रिकमेंड किया था 240 के ऊपर क्लोजिंग के बाद 280 और 310 के टारगेट के लिए। तो 280 का हमारा टारगेट हो जाने के बाद में यहाँ पे देखिए जब ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी उस समय ही मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ पे हमारा वो 310 का टारगेट अब शायद आते हुए जल्दी नहीं दिखेगा। तो जो भी हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है हमें वो प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल जाना चाहिए, या उस कंडीशन में जो एसएल हमने ऑलरेडी फिर एसएल जो और जिन जो नहीं निकल रहे थे उनके लिए हमने एसएल बोला था कि 240 का एक एसएल ज़रूर लगा लीजिएगा। ये लास्ट जो अपना फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी, ये फ्राइडे की क्लोजिंग और सैटरडे को इसका शायद रिजल्ट, फ्राइडे को ही रिजल्ट आया था मार्केट बंद होने के बाद में, तो इसका इम्पैक्ट हमारा मार्केट मंडे को बंद था तो ट्यूजडे को आया। अब ट्यूजडे को ये स्टॉक देखिए ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो 29% की गिरावट के साथ बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये स्टॉक्स में देखिए अभी थोड़ी देर आपको देखिए जब स्टॉक गिरता है उस समय जल्दीबाजी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए किसी भी स्टॉक्स को आप जल्दीबाजी में मत लीजिए, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, हो सकता है 10% ऊपर मिले, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सेफ्टी कहाँ पे है, कहाँ पे सेफ्टी स्टॉक्स में बनेगी, कहाँ पे हमें स्टॉक्स को लेना चाहिए। अब देखिए ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई ऑलरेडी 167 से 22 की 30 रुपए की कैंडल ये बनी हुई है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए लास्ट यहाँ पे एक गैप अप इसने दिया था और इस गैप अप जो ये गैप अप दिख रहा है यहाँ पे गैप डाउन जो दिख रहा है, इस गैप जो गैप बना हुआ है इस गैप को यहाँ पे इस बार इसने फिल करने की कोशिश की लेकिन वो जा नहीं पाया उसके ऊपर। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए पहली बात तो इस गैप को ये फिल नहीं कर पाया और इसी तरह का एक बड़ा गैप ऑलरेडी इसने यहाँ पे फिर से एक बना दिया है। तो इस गैप को फिल करने में येस बैंक को बहुत सारी दिक्कत होने वाली है क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ में ये गिरा हुआ है। ये देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ में गिरा हुआ है येस बैंक, हाई वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है येस बैंक में, येस बैंक से डिलीवरी बेची गई है यानी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से कुछ यहाँ पर क्वांटिटी निकली हुई है, उन्होंने इसको सेल किया क्योंकि इसका रिजल्ट ऑलरेडी बहुत ख़राब रिजल्ट था। अब हो सकता है देखिए इस क्वार्टर में कुछ रिजल्ट जो साफ सफाई होनी थी वो हो गई, हो सकता है कुछ अगले क्वार्टर में हो जाए, यानी मान के चलिए कि एक से दो क्वार्टर तो इसी तरह से शायद अगला क्वार्टर भी इतना ख़राब नहीं लेकिन हाँ इसी तरह के रिजल्ट जरूर येस बैंक दे सकता है। इस उम्मीद से यहाँ पर ब्रोकर ने डाउन जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है और बहुत ब्रोकरेज हाउस ने तो इसका टारगेट 125 तक का भी दिया हुआ है। जो बड़े ब्रोकरेज हाउस 125 तक, वहां तक जाएगा नहीं जाएगा या धीरे धीरे जाएगा उसके एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या है, सबसे पहली बात तो अब हमारे लिए जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहले मैं बता दूं कि 175 का क्लोजिंग, ध्यान रखिएगा 175 की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। 175 का जब क्लोजिंग होगा तो ये स्टॉक्स जो ये नीचे का ट्रेंड करने वाला था शायद ये ट्रेंड थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाए। अगर इसी फ्लो में मान लीजिए इसी फ्लो में जैसे 168 का क्लोजिंग है और जो लास्ट देखिए यहाँ पे मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करूँ तो एक मिनट यहाँ से देखिए ये जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो सपोर्ट आपको ऑलरेडी दिख रहा है वही 170 से लेकर के 165 यानी जो इस कैंडल का लो है यहाँ पे देखिए 165 का, पहली बार जब गिरते गिरते स्टॉक्स आया तो कहाँ पे रुका 165 पे, दूसरी बार फिर यहाँ पे 165 इसका लो देखिए ऑलरेडी फिर से कितने का लो लगाया है 168 का। अब इस कैंडल ने थोड़ा सा एक लो लगाया है 146 का, वापस जब स्टॉक्स गिरने लगा ये तो फिर इसने जो लो लगाया है 165 का, यहाँ पे देखिए जो लो लगा हुआ है वो 168 का, यानी जहाँ पे स्टॉक्स ये खड़ा है देखिए 168 से लेकर 162 एक ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है येस बैंक के लिए। अगर ये 160 का जोन फिर से ब्रेक करता है तो समझ लीजिएगा ये स्टॉक्स 145 की तरफ, कन्फर्म 145 की तरफ आएगा।
160 का लेवल ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है येस बैंक के लिए। अगर इसमें भी इसको होल्ड नहीं करता है तो ये स्टॉक फिर से जो इसका पहला टारगेट जो स्टॉक का नीचे की तरफ आएगा वो आएगा 140 का, यानी ये स्टॉक्स यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकता है। अगला सपोर्ट इसको 140 के आसपास ही मिलेगा, उसके पहले इसको कोई सपोर्ट यस बैंक को मिलने वाला नहीं है क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम से गिरा है। और ध्यान रखिएगा ये 165 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो उसके लिए 170 ऊपर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें आप अभी बड़ी तेज़ी देखिए तभी आप देख सकते हैं जब ये स्टॉक्स 175 देखिए सॉरी हाँ 175-178 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करे। ध्यान रखिएगा अगर कंटिन्यू क्लोज 175 से 178 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके लिए बनेगा, और इसके ऊपर अगर ये नहीं क्लोज करता है स्टॉक तो ये स्टॉक्स वीक ही रहेगा। अब इसको मैं आपको 5 मिनट कल का 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ कल इसने क्या किया है। देखिए कल ये स्टॉक गिरा पहली कैंडल के अंदर में, सारा दिन यहाँ पे लगभग घूमते रहा। पहली कैंडल का जो लो लगाया इसने 167 का लो लगाया है, और जो डे लो इसने लगाया है वो लगभग 165 के आसपास का लगाया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये पहली कैंडल में देखिए जहाँ पे ओपनिंग, ये पहली कैंडल की ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, यानी पहली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। सॉरी 178 की जगह पे 180, यानी 175 से लेकर 180 के बीच में इसमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि बड़े वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हुआ है ये वॉल्यूम कहाँ पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 180 की। तो इस स्टॉक्स को 175 से लेकर 180 के जोन में, मैंने 175 से 180 का जो जोन है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इस स्टॉक्स के लिए। कुछ जब तक ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा जब तक ये स्टॉक 180 के ऊपर क्रॉस ना करे और क्लोज ना करे तब तक इस स्टॉक्स में कोई भी बॉटम फिटिंग आप मत कीजिए, या फिर कुछ दिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कल खरीदने के लिए तैयार हो तो वो मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन अगर ये स्टॉक्स आपको और नीचे की तरफ 150 से लेकर 140 के बीच में ट्रेड करते हुए शायद दिख सकता है। मेरे ख्याल से अगर ये लो ब्रेक करता है, ये लो यानी रिजल्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर ये ट्रेड करने लगता है और ये स्टॉक्स 165 के नीचे कंटिन्यू, 160 से 165 का एक सपोर्ट है, शायद यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ दिन ये कंसोलिडेट करे, अगर 160 के नीचे ये ब्रेक करके ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स आपको 140 के लेवल दिखा सकता है, यानी जो खूनी दौर है इसका पहले ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये स्टॉक नीचे की तरफ चलेगा। हाँ लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर जिसको भी यस बैंक पे बिलीव है, लेकिन हाँ 3-4 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो 140 और 145 के आसपास जब भी मिले तो हमें इसमें ऐड करना चाहिए। देखिए मैं तैयार हूँ 150 से लेकर 140 के बीच में कुछ क्वांटिटी तो मैं ऐड करूँगा ही करूँगा क्योंकि यस बैंक, देखिए मेरे पास पुराना भी यस बैंक पड़ा हुआ है, यानी यस बैंक मैंने 2013 में लिया था 256 पे, तो उसकी जो मुझे एवरेज मिल गई है वो एवरेज मेरे पास 40-45 की एवरेज हुई हुई है। तो यस बैंक देखिए कुछ क्वांटिटी तो मैंने यस बैंक की ऑलरेडी 380 पे निकाल दी थी, स्प्लिट होने के बाद 380 पे मैंने निकाल दी, लेकिन अभी भी मेरे पास में बहुत क्वांटिटी पड़ी हुई यस बैंक, यानी मान के चलिए यस बैंक मेरे पास जो है बैंकिंग में देखा जाए तो थर्ड मेरे पास क्वांटिटी है बैंकिंग की, यानी बैंकिंग में तीसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो मेरा यस बैंक का ही है। तो यस, और मैं यस बैंक के लिए 140-145 पे मैं ऐड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, शायद मेरे पास जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का 50% मैं और ऐड करूँगा यस बैंक, लेकिन मैं वेट करूँगा 140 से लेकर 150 के बीच में मुझे मिलता है और उस जगह पे क्या सिचुएशन बनाता है। देखिए मैं पैनिक में नहीं लेने वाला हूँ, स्टॉक जब सस्टेन करेगा स्लो करेगा तो मैं लूँगा, और शायद देखिए मैंने यहाँ भी 160 से लेकर 170 के बीच में भी यस बैंक को ऐड किया था, और जब ये 180 के बाद 170 पे आया तो मैंने कुछ 240 के बाद जब ये स्टॉक निकला और 270 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने जो यहाँ पे जो क्वांटिटी ली थी वो क्वांटिटी मैंने सारी यहाँ पे सेल कर दी। अब वो प्रॉफिट जो बचा उस प्रॉफिट को मैं फिर से यहाँ पे लगाने के लिए तैयार हूँगा 140 के आसपास, और कुछ नई क्वांटिटी भी ऐड करूँगा। मुझे मालूम है कि 1-2 क्वार्टर इसके और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इसी में आपको स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ऐसी ही जगह पर आपको स्टॉक्स को वेट करना पड़ेगा लेने के लिए, नहीं तो अच्छी जगह पर यहाँ पर 280 पर जाके लोगे तो फिर वो मुसीबत आपको बनेगी, कभी फिर गिरावट आई तो नीचे की तरफ आएगा। यस बैंक अच्छा है, मैनेजमेंट अब ठीक है, जो पीछे की जो साफ सफाई होनी थी वो हो रही है तो वो हो जाएगी, अब कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक नीचे 140 और 145 के पास मिल सकता है तो जरूर लेंगे। जिन्होंने 280 पे लिया है उनके लिए तो पहले मैं स्टॉप लॉस 240 का ऑलरेडी बता के रखा था, वो भी नहीं निकले हैं तो मेरे ख्याल से अब निकलने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, शायद इनको 10-15% का लॉस और हो सकता है, वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी अगर बचे पैसा होगा तो ऐड कर लीजिएगा। ध्यान देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक्स में आपकी पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, तो आप अपनी कैपिटल को कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड कर लो और आप 10 स्टॉक्स खरीदोगे तब जाके आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो